गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि समस्या समाधान। समस्या समाधान कहते किसे हैं? समस्या समाधान चिंतन का एक प्रकार है जिसमें हम समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, और ये कोशिश चलती रहती है जब तक हम उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर लेते, और इस समय हम तरह तरह के मेंटल ऑपरेशंस यूज करते हैं। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि समस्या समाधान में दो स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है ये डिसाइड करना कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। ये प्रक्रिया शुरू होती है प्रॉब्लम को ढूंढने, समस्या की खोज और उसको आकार देने में, यानी ये क्लियर करने में कि समस्या एक्चुअली क्या है। और जब समस्या की परिभाषा दे दी जाती है तो उसके बाद दूसरा स्टेप होता है इस समस्या का समाधान ढूंढना, और ये समाधान सही है या नहीं ये मूल्यांकन करना। समस्या समाधान की विशेषताओं की जब हम बात करते हैं तो जॉनसन के अनुसार समस्या समाधान की 6 विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली विशेषता है समस्या समाधान में प्राणी का व्यवहार लक्ष्य उन्मुख होता है और उसके व्यवहार में निरंतरता होती है, यानी कि व्यक्ति जो काम कर रहा है, जो समस्या समाधान की कोशिश कर रहा है, वो लगातार उस कोशिश में लगा रहता है और उसका जो टारगेट होता है वो किसी भी तरीके से अपने गोल की प्राप्ति होता है। दूसरी विशेषता कि ये जो क्रियाओं में निरंतरता है, जो वो लगातार काम में लगा हुआ है, जैसे ही लक्ष्य प्राप्त होता है ये एक्टिविटीज खत्म हो जाती हैं। फिर प्राणी समस्या समाधान के लिए अलग अलग प्रकार की अनुक्रियाएं करता है, उसका एकमात्र उद्देश्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति होता है। नेक्स्ट विशेषता जो जॉनसन ने बताई है वो है समस्या समाधान में व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है, यानी एक ही समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग प्राणी, अलग अलग व्यक्ति अलग मेथड यूज करेगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जब व्यक्ति के सामने एक ही समस्या दोबारा आती है तो दोबारा समस्या समाधान करने में वह कम समय लेता है, क्योंकि अब उसको समस्या समाधान का जो तरीका है वो मिल चुका होता है। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्चुअली चिंतन का ही एक विशेष प्रकार है। ये अब हम देखेंगे कि समस्या कहते किसे हैं। समस्या को अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने ढंग से परिभाषित किया है। जैसा कि जॉनसन ने कहा है, जब व्यक्ति किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित होता है परंतु प्रारंभिक प्रयत्नों से वह सफल नहीं हो पाता, तो इस दशा में व्यक्ति के लिए उस लक्ष्य तक पहुँचना ही एक समस्या होती है। इसी प्रकार किम्बल ने अपने शब्दों में समस्या को इस प्रकार परिभाषित किया है। वो कहते हैं कि एक समस्या के 3 तत्व होते हैं, एक करंट सिचुएशन जिसको चेंज करना है, दूसरा आपको एक सिचुएशन ऐसी जिसे प्राप्त करना है, और तीसरा बाय द यूज ऑफ सर्टेन लीगल मूव्स, यानी कि उसको प्राप्त करने के लिए आप निश्चित तरीके अपनाएंगे। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक समस्या में 3 अवस्थाएं होती हैं या 3 इसके एस्पेक्ट होते हैं। सबसे पहला मूल अवस्था, ओरिजिनल स्टेज, शुरुआत, जबकि आपके सामने लक्ष्य दिख रहा है आपको, लेकिन किस तरीके से उसे प्राप्त करना है इसमें बाधा है। दूसरी स्टेज आती है लक्ष्य अवस्था, दिस अ गोल स्टेट, जो कि पूरी तरीके से इनिशियल स्टेट से अलग होती है। गोल स्टेट वो स्टेट है जिसे व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। और तीसरा पहलू है वो है द प्रोसेस ऑफ गोइंग फ्रॉम द इनिशियल स्टेट टू द गोल स्टेट, और व्यक्ति इस इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक जाने के लिए निश्चित प्रकार के मेंटल ऑपरेशंस यूज करता है, कुछ नियमों के अधीन होकर वो समस्या समाधान के लिए कार्य करता है।
तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो समस्या के चार विशेषताएं हमारे सामने आती हैं। पहली चीज एक लक्ष्य जिसको कि प्राप्त करना है। दूसरा अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिलेवेंट टू अचीविंग अ सॉल्यूशन, मतलब ऐसी चीजें ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसकी सहायता से वह लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है उसकी डिटेलिंग। तीसरा अ सेट ऑफ ऑपरेशंस और अलाइबल एक्शंस टुवर्ड सॉल्यूशन, उस समाधान को उस समस्या का समाधान किस प्रकार से करना है इसके लिए जो क्रियाएं जो ऑपरेशंस अलाउड हैं उनकी जानकारी। और लास्ट अ सेट ऑफ कंस्टेंट नॉट टू बी वायलेटेड, कुछ ऐसे नियम जिसको कि उन्हें वायलेट नहीं करना है, यानी कि कुछ नियमों का पालन उसको करना है। समस्या समाधान के लिए ये चारों चीजें व्यक्ति को क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर हम ये देखेंगे कितने प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं। हम प्रॉब्लम्स को दो भागों में रख सकते हैं। एक नॉलेज लर्न प्रॉब्लम्स, ये इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं जिसको कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की तरह से यूज करके इसको सॉल्व किया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं कि इसके लिए आपको हमेशा कोई विशेष योग्यता की जरूरत होगी, लेकिन इंस्ट्रक्शंस सिंपल इंस्ट्रक्शन भी इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जैसे फाइंडिंग अ पार्किंग स्पेस इन द मॉल, एक सामान्य व्यक्ति भी बता सकता है, फोन पर भी बता सकता है, ऐसे भी बता सकता है कि आप किस तरीके से पार्किंग स्पेस तक पहुंच सकते हो, इसके लिए कोई स्किल की जरूरत नहीं है। दूसरे तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो है नॉलेज रिच प्रॉब्लम्स। ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये विशिष्ट स्किल इसके लिए चाहिए, विशिष्ट योग्यता या विशिष्ट जानकारी की जरूरत इसमें पड़ती है। यानी जिस प्रकार की समस्या का समाधान आप चाहते हैं उस तरीके की योग्यता आप में होना जरूरी है। जैसे किसी विशेष यंत्र का यूज करना, किसी मशीन पर काम करना, या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की जो प्रॉब्लम्स है, या कि मैथ की कोई प्रॉब्लम्स है, तो इसके लिए आपको उससे संबंधित फील्ड की जानकारी होना जरूरी होता है। तो इसके अलावा एक और क्राइटेरिया है प्रॉब्लम्स को कैटेगराइज करने का कि समस्याएं स्पष्ट हैं या नहीं है। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स उन प्रॉब्लम्स को कहा जाता है जिनका क्लियर कट सॉल्यूशन होता है और इन निश्चित चरणों के तहत आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार की क्रॉसवर्ड पजल या जो डिफरेंट फॉर्मूलाज जो आप सॉल्व करते हैं तो उसका एक सिस्टमेटिक मैनर होता है। दूसरे तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स। जैसे हमारे सामने समस्या तो है और उसके कई समाधान हो सकते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए आपको एक सिस्टमेटिक मैनर आप यूज नहीं कर सकते। जैसे एक यहाँ पे एग्जांपल हमने दिया है राइटिंग अ हिट सॉन्ग और बिल्डिंग अ कैरियर। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑप्शंस तो है कि हम इस फील्ड में करियर बना सकते हैं, लेकिन इस बात की श्योरिटी तो नहीं है ना कि आप उसमें सक्सेसफुल होंगे। तो ये जो इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो हैं उसे इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स कहा जाता है। ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रक्रिया, ये स्टेप्स। अब हम आगे बढ़ चुके हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ। तो सबसे पहली चीज वो है प्रॉब्लम की डेफिनेशन। सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना है कि आपके सामने क्या प्रॉब्लम है, आप किस चीज को प्रॉब्लम के रूप में लेकर चल रहे हैं। दूसरी चीज प्रॉब्लम एनालिसिस। प्रॉब्लम एनालिसिस का मतलब है उस समस्या के सभी एस्पेक्ट्स के बारे में सोचना कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम है क्या, इसके विशिष्ट रूप कौन कौन से हैं, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी। ये सारी डिटेलिंग जब हम करते हैं तो इसे हम प्रॉब्लम एनालिसिस कहते हैं। फिर नेक्स्ट चीज आ जाती है जनरेटिंग पॉसिबल सॉल्यूशन। अभी तक जो प्रॉब्लम डेफिनेशन और प्रॉब्लम एनालिसिस, प्रॉब्लम डेफिनेशन और प्रॉब्लम एनालिसिस हम लगभग डिस्कस कर चुके हैं। जो नेक्स्ट स्टेप है जनरेटिंग पॉसिबल सॉल्यूशंस, इसका मतलब है कि जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं
हाइपोथेटिकली उनको जनरेट करना कि इस समस्या के लिए ये समाधान भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है, और किस तरीके से अल्टरनेटिव मेथड्स यूज किए जा सकते हैं ये हम देख सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आता है एनालाइजिंग द सॉल्यूशन, समाधान की विवेचना करना कि जो समाधान हम यूज कर रहे हैं, जो ऑप्शंस हम लेकर चल रहे हैं, एक्चुअली वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कितना यूजफुल हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका आ जाता है सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशंस। आपने बहुत सारे सॉल्यूशंस सेलेक्ट आपने देख लिए, उसके बारे में एनालाइज कर लिया, अब आपको अपनी प्रॉब्लम के नेचर के हिसाब से उनमें से जो बेस्ट एप्रोप्रिएट मेथड है वो सिलेक्ट करना होता है। समाधान आप ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं, उसको अब आपने इम्प्लीमेंट करना है। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है कि आपकी समस्या के लिए जो समाधान आपने खोजा है, जो आंसर ढूंढा है, उसको आपने अप्लाई करना है प्रैक्टिकली। और अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आ जाता है इवोल्यूशन एंड रिवीजन, कि क्या जो आपका गोल था, जो लक्ष्य प्राप्ति थी, क्या एक्चुअली वो लक्ष्य प्राप्ति हो चुकी है, क्या यही समाधान है जो आप चाहते थे। ये इसका लास्ट फेज, लास्ट स्टेप आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक। आज हमने देखा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, प्रॉब्लम को किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, और प्रॉब्लम की प्रोसेस में कौन कौन से स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन के कौन कौन से मेथड हैं।